नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुरेंद्र सिंह के बारे में। सुरेंद्र सिंह, वही सुरेंद्र सिंह जिन्होंने अमेठी में स्मृति ईरानी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आपको याद होना चाहिए, स्मृति ईरानी कोई ज़्यादा वोट के मार्जिन से नहीं जीती थी, लेकिन जो भी जीती, बात होती है जीत की। हाँ, स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई अमेठी से, ये सच्चाई है। और ये भी एक सच्चाई है कि राहुल गांधी चुनाव हार गए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा घटना हुआ है, सुरेंद्र सिंह जो ग्राम प्रधान थे उनकी हत्या कर दी गई है। और हत्या क्यों की गई, इसमें यही निकल के आ रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं हैं उन्होंने किया। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे आखिर ये सुरेंद्र सिंह है कौन और ये स्मृति ईरानी के करीबी कैसे बन गए, तो इनके बारे में जानते हैं। उससे पहले चाहेंगे अगर जो आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सुरेंद्र सिंह है कौन। सुरेंद्र सिंह बात करें, अमेठी के बरौलिया गांव है, वहाँ के ग्राम प्रधान है, प्रधान है, पोस्ट छोटा है, लेकिन ये सांसद जो अभी बनी है स्मृति ईरानी उनके बहुत करीबी है। याद होगा आपको 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी हार गई थी, लेकिन फिर भी वो अमेठी में लगी रही और लगभग 17 से 18 बार कहते हैं वो अमेठी आई थी, लगभग मैं बता रहा हूँ 17 से 18 बार अमेठी आई थी और जितनी बार आई सुरेंद्र सिंह से जरूर मिली। ठीक है, तो अमेठी के बरौलिया गाँव के ग्राम प्रधान और स्मृति के बहुत करीबी रहे हैं सुरेंद्र सिंह। और बात करें स्मृति ईरानी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी सुरेंद्र सिंह ने। आप सुरेंद्र सिंह को देख सकते हैं स्मृति ईरानी की सभाओं में, ये खुद बोल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी शख्सियत रही होगी स्मृति ईरानी के साथ। अभी सुरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ये प्रधान थे बरौलिया गांव के, अभी इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसके बाद इनको लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर एक बयान निकल के आ रहा है कि जो इनकी हत्या की गई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की गई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई। अब यहाँ पे देखना ये है कि इसमें क्या होता है और ये जो हत्याकांड है ये कहाँ तक जाता है और आगे क्या मोड़ लेता है। बने रहिए मेरे साथ, सुधीर गुप्ता के साथ। जो भी नई अपडेट होगी इस हत्याकांड से रिलेटेड हम आपको सबसे पहले बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसीलिए बोला मैंने, और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहो। सुधीर गुप्ता, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं छोटो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।